दोस्तों पांच के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द यूनियन इज और आर इनुमरेटेड इन द आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। वन, टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन, टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट द इंटरनल डिस्टर्बेंस, टू एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ वन, टू एज्यूम इटसेल्फ ऑल और एनी फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट नॉट रन इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता है तो चार है भाई ऑप्शन, आंसर देख लेते हैं। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी, वन टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली। यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, इससे डायरेक्ट क्या है, प्रोटेक्ट करना है स्टेट को, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन। व्हाई? बिकॉज यूनियन इज अ बिग ब्रदर, है ना। फेडरेशन को प्रोटेक्ट करने का पूरा जिम्मा जो है वो यूनियन पर है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तीसरा है एंश्योर कि गवर्नमेंट यह है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से चल रहा है, इंश्योर करना है, और यदि नहीं हो रहा है, है ना, तो ये सब चीजों के लिए, यानी ये सब चीजों के लिए ये क्या है, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द यूनियन। यानी यूनियन को इन तीन ड्यूटीज के लिए पूरी जद्दोजहद करनी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द यूनियन। तो सबसे पहले तो यूनियन की जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फेडरेशन है उसको इंटैक्ट रखे, यहाँ के जो यूनिट्स है यानी स्टेट्स है उसका भी पूरी तरह से है ना सुरक्षा प्रदान हो पूरी तरह से, और कुछ भी यदि होता है, यदि इवन कुछ इश्यूज आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को पूरा का पूरा असिस्ट करे, बाय एनी मीन्स जो भी जरूरत लगता है वो सब उसको सपोर्ट करे, है ना। फाइनेंशियल मैटर हो, मिलिट्री मैटर्स हो, है ना, डायलॉग्स के बारे में हो, हर चीज में उसको सपोर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 355 बहुत ही पॉजिटिव है। अब ये नहीं होता है तो फोर्थ है, फोर्थ एक्चुअली इट्स अ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356। यानी जब ये पूरे तीनों नहीं काम में आते हैं, देखो यानी यूनियन भी जब थक जाता है, यूनियन भी कर नहीं पाता है, तब यूनियन को ये ध्यान में रखो बोला, तब तक स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 355 नहीं होता है तो फिर 356। हमारे यहाँ पे तो बस उठ सुट कुछ हो जाता है तो सीधा सीधा भाई ये स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 356 लगाया। अरे भाई नहीं हो रहा है, प्रोविजन नहीं हो रहा है, यदि स्टेट गवर्नमेंट रन नहीं हो रहा है तो वाई शुड नॉट असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑल मीन्स, है ना। ये नहीं होता, और यूनियन यदि, अब खास बात है कि यूनियन और स्टेट यदि अपोजिशन पार्टी के लिए, तो ये लोचा यहाँ पे, सी द सिनेरियो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स मेटिकुलसली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ द करंट पोजिशन इज, हाउ द पॉलिटिशियंस आर मिसयूजिंग फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेडरेशन को इंटैक्ट करने के लिए, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने क्या सोचा है। चलो न्यूज में क्या आया है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में ऐसा, आर्टिकल 355 नीडेड इन बंगाल, अधीर सेठ, कांग्रेस लीडर इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने डिमांड की है कि प्रेसिडेंट साहब जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको लिख के भेजा है 23 मार्च 2022 को कि इन द वेक ऑफ बीरभूम जो वायलेंस हो गया है, है ना, उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी बिगड़ गई है, खत्म हो गई है, आर्टिकल 355 शुड इनोक टू एंश्योर द स्टेट इज गवर्न एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 355 इनोक किया जाए तो ऑब्वियसली अभी जो है सेंटर इसने पूरा का पूरा असिस्ट करना चाहिए स्टेट को कि क्या इश्यूज है क्या नहीं है, सभी जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेस है या मिलिट्री पैरामिलिट्री है, डायलॉग्स है ना, ये सब चीजें करनी चाहिए, इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी इन्होंने डिमांड किया। सेकंड क्वेश्चन, consider the following facts with regard to the state list of the constitution of india, entry 34 exclusive for betting and gambling, second
Entry 62 deals with the taxation on not only betting and gambling but also on luxuries including entertainments and amusement. Which of the above fact is or are correct? Answer is C. Both are correct. Entry 34 exclusively sirf yahi title hai, betting and gambling yahi title hai. Lekin 62 में कहा है कि taxation on luxuries including entertainment, amusement and betting and gambling ऐसा word है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो. News में क्यों है देख लेते हैं. दोस्तों assembly can impose tax on other state's lotteries है ना. On appeal to high court judgment against the Kerala and Karnataka government's taxation on lotteries organized and promoted by the states of Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Manipur. In these two states, वो अपील किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई लॉटरी इज अ स्पीसीज ऑफ गैम्बलिंग एंड बेटिंग एंड ऑफ हेंस पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एट एंट्री 34 इन द 7th शेड्यूल. और ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से जो है अभी टैक्सेशन लगाने का पूरा पावर जो है एज इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट वो टैक्स लगा सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द स्वच्छ भारत मिशन. फर्स्ट फेज एम्ड टू अचीव ऑल विलेजेस, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ओपन डिफिकेशन फ्री ODF बाय 2 अक्टूबर 2019. सेकंड फेज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन विलेजेस टू रीएनफोर्स ओपन डिफिकेशन फ्री behaviors including provision of the interventions for a safe management of a solid and liquid waste. Which of the above facts is or are correct? So answer is C. Both are correct. First phase सभी के लिए है और target रखा है 2 अक्टूबर 2019. महात्मा गांधी जी उनका जो है बर्थ सेंटेनरी उस इसमें ये कंप्लीट हो जाए. और सेकंड फेज में जो है विलेजेस पर फोकस किया है, बिहेवियरल एस्पेक्ट पर साथ में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इसके ऊपर भी फोकस किया है. देख लेते दोस्तों न्यूज में है. फ्यू विलेजेस रिसीव्ड वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर पैनल सेट. ओनली 12% ऑफ द विलेजेस सपोज टू गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. ये प्रॉब्लम रहा है सिर्फ 12% है ना, बहुत ही पुअर जो है इंप्लीमेंटेशन लेवल रहा. इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब लिक्विड वेस्ट जो है इसमें सिर्फ 12% और सॉलिड वेस्ट में ओनली 22% इतना ही रहा, यानी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस ग्रास रूट लेवल पर दिखता है. अब मिनिस्ट्री कहती है कि भाई इट फिक्स्ड ओनस ऑन द स्टेट, बट द स्टेट ने ध्यान नहीं दिया. कोविड की कंडीशन थी, रेस्ट्रिक्शंस थे, ग्राउंड लेवल क्लियर नहीं था, स्टेट्स की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं रहा है ना, ये थोपा गया है ऐसा हम कह सकते हैं. अब स्वच्छ भारत अभियान देखा जाए तो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ गया और सेकंड फेज में एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है उसका फोकस किया गया. इट इंक्लूड्स द कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट, कंपोस्ट पिट्स एंड बायोगैस प्लांट फॉर अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, सोक पिट्स और ट्रीटमेंट ऑफ द फीकल स्लज, यानी काफी कुछ इंटेग्रेटेड वे से जो है सेकंड फेज बनाया गया जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया एट द ग्रास रूट लेवल. फोर्थ क्वेश्चन, द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट आर प्रिजर्व्ड थ्रू डिफॉर्मेशन, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज. ऐसी मैथमेटिकल स्टडी है कि जिसकी वजह से कोई भी जो आर्टिकल है उसका प्रॉपर्टी जो है एकदम चेंज कर दे, ट्विस्ट कर दे है ना, ऐसा कुछ हो जाए और उसके बाद भी उसकी प्रॉपर्टी प्रिजर्व रह सकती है लेकिन डिफॉर्मेशन के थ्रू भी. सो ये क्या है, आदर टोपोलॉजी एनालिसिस, रिंग थ्योरी और अफाइन ज्योमेट्री. सो आंसर इज ए टोपोलॉजी. न्यूज में इसलिए दोस्तों, अमेरिकन मैथमेटिशियन प्रोफेसर डेनिस पी सोलिवान विन एबल प्राइज 2022, Abel Prize awarded by the Norwegian Academy of Science and Letters for his groundbreaking topology referred to as a rubber sheet geometry. इसको rubber sheet geometry भी कहते हैं, आप देख रहे होंगे. देखो twisting दिखता है दो objects की and both are being same similar.
Two objects are considered equivalent if can be continuously deformed into one another through such motions in space, bending, twisting, stretching, shrinking. है ना, एक मेक में तोड़ मरोड़ जाए तो अपने आप क्या होते, दोनों इक्विवेलेंट हो जाते। जैसे सर्कल और स्क्वायर हम यदि तोड़ मरोड़ जाए एक मेक में, तो समझ लेना बोथ आर बीइंग इक्विवेलेंट। लेकिन अभी यदि हम देखेंगे कि एक डोनट और कॉफी मग विथ वन हैंडल, यस इक्विवेलेंट, बट सरफेस ऑफ स्पीयर एंड कॉफी मग आर नॉट इक्विवेलेंट। लास्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर्स सागरमाला मेगा प्रोजेक्ट लोकेशन और स्टेट। ए सागर आइलैंड्स, बी सिरखाजी, सी बेलिखेरी, डी वंधावन, और यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु दिया है। आंसर देख लेते हैं और फिर मैच कर लेते हैं। आंसर इज डी, है ना। ए इज 3 सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल, बी इज 4 सिरखाजी तमिलनाडु, सी इज 1 बेलखेरी कर्नाटका, एंड वंधावन इज इन महाराष्ट्र। कितने प्रोजेक्ट्स है दोस्तों? टोटल 6 प्रोजेक्ट्स थे, मेगा प्रोजेक्ट्स, है ना। दूसरे कौन से है? तो पारादीप आउटर हार्बर ओडिशा में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। न्यूज में इसलिए दोस्तों, सागरमाला 29 प्रोजेक्ट्स इन 7 इयर्स एम्ड एट इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ पोर्ट्स, and the 29 projects worth of 45,000 crore based on the PPP model have been implemented, successfully implemented हो गया ऐसे अभी कहा है government ने। flagship program है Ministry of Shipping का, जो promote करता है portlet development in the country by exploiting India's 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। इतना लंबा कोस्ट लाइन है, बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट एंड हैविंग अ, है ना, बहुत ही अच्छा जो है लिटोरल एरिया हमें मिला है, एंड 14,500 किलोमीटर ऑफ पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज। हमारे पास वाटरवेज भी बढ़िया है, एंड इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन की इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड रूट। इसका हमें पोर्टलेट डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो किस ढंग से पोर्ट को लिंक करे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ये प्लान यहाँ पे है। एंड नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है वो 14 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था एट मैरिटाइम इंडिया समिट 2016 में। अभी देखा जाए तो मोर देन 574 प्रोजेक्ट्स जो है एट द कॉस्ट ऑफ द 6.01 लाख करोड़ ये आइडेंटिफाई किए गए हैं, और इसका प्लानिंग पीरियड रहेगा 2015-2035। थीम है, 4 थीम के आधार पर, एक पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये दोस्तों ये ध्यान में रखो, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है 4 थीम्स का। तो 5 क्वेश्चन समझ लो दोस्तों, और बढ़िया से पढ़ाई करो और बढ़िया अपना अचीवमेंट मिला लो। थैंक यू।